कंट्री के आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में कानपुर के रोचक तथ्यों और कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो शायद आज तक आपको किसी ने ना बताया हो। कानपुर, जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ की फिजाओं में एक अलग ही हवा बहती है। यहाँ के लोगों का भौकाल एक अलग ही लेवल का है, इसीलिए इनके अंदाज की पूरी दुनिया दीवानी है। वैसे दिल खुश मिजाज है, लेकिन मूड हरा करने की बारी आती है तो ये गंगा बैराज निकल जाते हैं। इतना खुश मिजाज और भौकाली शहर आखिर बना तो बना कैसे? इसके लिए हमें कुछ सेकंड के लिए इतिहास के कुछ साल पीछे चलना होगा। कई साल पहले जब नवाबों का शासनकाल आखिरी चरण में था, तब यह शहर पुराना कानपुर, पुरसवा, पटकापुर, जूही तथा सीसामऊ गांवों के मिलने से बना था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ नील व्यवसाय की शुरुआत की। फिर 1832 में जीटी रोड बन जाने से कानपुर शहर प्रयागराज से जुड़ गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ के साथ साथ कानपुर भी अग्रणी रहा। नाना साहब की अध्यक्षता में भारतीय वीरों ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने नगर के अंग्रेजों का सामना जमकर किया, किंतु संगठन की कमी और अच्छे नेताओं के अभाव में ये पूर्णतया दबा दिए गए। 1859 में नगर में रेलवे लाइन का संबंध स्थापित हुआ। इसके पश्चात छावनी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी चमड़े का कारखाना खुला। चमड़े के कारोबार का यह उत्तर भारत का सबसे प्रधान केंद्र है। रेलवे संबंध के प्रसार के साथ नए नए कई कारखाने खुलते गए, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे चमड़ा उद्योग, धंधों एवं जूट मिलों तथा अन्य व्यवसायों के तेज हो जाने से यहाँ विकास ने रफ्तार पकड़ ली, और फिर तब से आज तक कानपुर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और अब आलम यह है कि छोटे पर्दे से लेकर बॉलीवुड तक सभी कानपुर की धुआंधार बोली और भौकाली अंदाज की वजह से कानपुर की ओर आकर्षित होने लगे हैं। इसी कारण कई बार टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक कानपुर को दर्शाया गया है या उनकी कहानी इसके ऊपर आधारित है। 90s के एवरग्रीन सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य से 2020 के अंकित तिवारी तक और कई गायक एवं कृतिका शेंगर, राजू श्रीवास्तव, अश्विनी धीर, अमित सियल, गौरव खन्ना और कुलदीप यादव जैसे कई एक्टर और क्रिकेटर कानपुर की अलग पहचान बना रहे हैं। केवल ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन की दुनिया में भी कानपुर ग्रो कर रहा है। नेक जोकोव, हर्ष गुजराल, गौरव तनेजा और इस वीडियो के नरेटर ऋषि तिवारी तक सभी इंटरनेट की दुनिया के शाइनिंग स्टार हैं। कानपुर को प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। रोटोमेक्टन से लेके घड़ी डिटर्जेंट और रेमन, एलन कूपर, रेड जी, रेड टेप, जेके ग्रुप जैसे बड़े बड़े इंडियन ब्रांड कानपुर से उत्पत्ति के बाद पूरे भारत सहित कई अन्य देशों में छा गए। कानपुर के लाल और भारत के राजनेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर से जन्म का नाता है। कानपुर विश्वविद्यालय यानी आज का छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे कई अन्य कानपुर के विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान से निकलकर लाखों लोग आज दुनिया के हर कोने में अपना लोहा मनवा रहे हैं। पर्यटन दृष्टिकोण से कानपुर के दार्शनिक स्थलों का वर्णन करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी एलन फॉरेस्ट ज़ू और चांद की तरह चमकता राधा कृष्ण जी के टेम्पल व हरा भरा मोती झील, मिनी लंदन की तरह ब्लूवर्ड थीम पार्क तथा गंगा किनारे वाला स्टेडियम ग्रीन पार्क सब यहाँ की शान है। कानपुर स्वादिष्ट चीजों का खजाना है, ठग्गू के लड्डू, बनारसी की चाय, बाबा की बिरयानी और कानपुर का पान आदि सब जुबान से होता हुआ दिलो दिमाग में बस जाता है। वर्तमान में यातायात हेतु बस स्टैंड, कानपुर सेंट्रल, चकेरी एयरपोर्ट यानी बस, रेल और हवाई सेवा सब मौजूद है। सिटी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो भी जल्दी रफ्तार पकड़ने वाली है एवं ऑनलाइन ओला, उबर जैसी कई और अन्य सेवाएं कानपुर में आसानी से उपलब्ध हैं। अतएव कानपुर में और भी बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें और प्रमुख स्थान हैं, जैसे मेमोरियल चर्च, कानपुर क्लब और लाट साहब की कोठी यानी आज का सर्किट हाउस, सुधांशु आश्रम, इस्कॉन टेम्पल, आनंदेश्वर मंदिर, परमठ, श्री हनुमान पनकी मंदिर, शोभन मंदिर, नाना राव पार्क, अटल घाट, लैंडमार्क होटल व जेड स्क्वायर मॉल आदि। पवित्र नदी गंगा तट के किनारे बसे इतने बड़े और ऐतिहासिक शहर
शहर को एक छोटे से वीडियो में कैद कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये एक शहर नहीं फीलिंग्स हैं और भावनाओं को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयां नहीं। अगर आप कानपुर की संपूर्ण इतिहास सहित संक्षिप्त में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही पर्यटन की दृष्टि से इतिहास सहित दार्शनिक स्थलों एवं अन्य प्रमुख चीजों को अगले वीडियो में समाहित करने की कोशिश करेंगे। कानपुर आपकी रगों में बसता हो या कानपुर से आप कहीं न कहीं जुड़े हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।